हेलो, स्वागत है आप सभी का सबावली गोल्फ के एक और नए मजेदार एपिसोड में। तो हम वापस आ चुके और आज का एपिसोड ना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमको काफी सारी चीजें करनी। पर सबसे पहले अगर तुम लोगों को एक चीज बताऊं ना, तो ये है केबल। यहाँ पर मैंने जस्ट अभी इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर लगाया था, ताकि हम यहाँ पर हर एक चीज ना, जितनी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज है उसको हम बिजली पर दौड़ा सके, और उसके साथ में अपने बेस के आसपास में भी ना हम एकदम बढ़िया वाली लाइटें कर सके, ताकि रात को जो अंधेरा हो जा रहा है एकदम फुल, तो कम से कम लाइट की वजह से, बिजली की वजह से यहाँ पर सारी जगह पर ना रोशनी रहे। बस इसीलिए मैं बनाया था, मगर उसको बनाने के लिए ना काफी ज्यादा देर लग रही थी। अगर तुम लोगों को अभी बताऊं ना, तो जनरेटर को जस्ट मैंने तोड़ा। ये है लैंप लाइट, ये है दूसरी वाली लाइट, ये तीन टाइप के केबल, और ये केबल कनेक्टर। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने बना के रख लिया था, मगर उसको बनाने के लिए ना कुछ ज्यादा देर लग रही है। तो मैंने सोचा उसको कुछ टाइम के बाद में, या फिर मैं ऑफलाइन में सारा का सारा केबल वाला काम करूं, क्योंकि अभी अगर बनाने के लिए जाऊंगा ना, तो उसके लिए काफी ज्यादा देर लग जाएगी। और ये तीन चीज अपने को मिली है सप्लाई क्रेट लूटने के बाद में, तो एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी चीजें भी ना मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ, सारे के सारे सैडल वगैरह। ये रेयर मशरूम अपने को मिला था, थोड़ा बहुत क्रिस्टल मिला था, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पर रेडी हो रहा है अपना खाना। अपने को आज ना जो बड़ा वाला डायनासोर है उसको टेम करना है, मतलब जो लंबी गर्दन वाला सबसे बड़ा वाला डायनो है ना, हमको उसको टेम करना है, क्योंकि अपना ट्राइक अब इतने कुछ काम का है नहीं। ट्राइक के ऊपर में जाके बेरीज और लकड़ी लेके आ रहा हूँ ना, तो उसके लिए कुछ ज्यादा देर लग जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ बड़े वाले डायनासोर को एक बार अगर मैंने टेम कर लिया जैसे तैसे करके, तो फिर काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। और लास्ट एपिसोड अगर किसी का मिस हुआ हो, तो तुम लोगों को बता दूं, लास्ट एपिसोड में मैंने बड़े वाले रेक्स को टेम करा था, जिसको टेम करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ी थी। ए कछुए, एक चीज सुनाऊं क्या? ले, अबे कछुए, आवाज कछुए को मार सकते हो एक बार ना? कछुए को ऐसी की तैसी कर देंगे कछुए की। मेरे को नहीं लगता ज्यादा बाइट लगेगी, नहीं थोड़े से बाइट के अंदर तो कछुए का काम हो जाएगा भाई एकदम आसानी से, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। ऊपर से अपना सार्को भी कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पावरफुल हो चुका है, इसका लेवल अप हुआ है ना। तो एक काम करते, सबसे पहले ना इसका जो मिल डैमेज है ना, इसके मिल डैमेज को ये अभी फिलहाल में मैं काफी ज्यादा बढ़ा देता हूँ। बाय बाय बाय, 62 लेवल का हो चुका है अपना रेक्स। अब उतरते हैं यहाँ से। अपने को ना लंबी गर्दन वाले डायनासोर की काफी ज्यादा तलाश है। अबे हटना, लंबी गर्दन वाला डायनासोर मिल गया ना, तो एक टाइम में अपन काफी ज्यादा बेरीज और लकड़ी जमा कर सकते। बेरीज मेरे को इसलिए जमा करनी है, ताकि जो ये शॉट्स बना रहे इसके लिए लगता है नार्कोटिक्स, और नार्कोटिक्स बनाने के लिए कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है। तो बस इसीलिए बड़े वाले डायनासोर की मेरे को काफी ज्यादा तलाश है। उसके साथ में अपने आरजे का लेवल भी काफी बढ़ चुका है, तो एक काम करता हूँ, इसका ना मैं वेट इंक्रीज कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वेट जितना ज्यादा रहेगा अपन उतनी आसानी से लेके आ सकते हैं। और एक और चीज, ना आए हो चैनल पे, एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और मेरे को नहीं लगता बड़े वाले डायनासोर को, मतलब ये जो लंबी गर्दन वाला डायनासोर है, इसको अपने को टेम करने के लिए कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, अपन ये वाली दिशा में चलते, क्योंकि इस साइड में ना मैंने वो बड़े वाले डायनासोर को देखा था, और मेरे को ऐसा लग रहा था क्या मैं उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ इस गेम के अंदर। मगर जब मेरी अभी कुछ टाइम पहले एक केव एक्सप्लोर करने के लिए गया, तो वहां पर कुछ जीव जंतु से ना मेरी काफी ज्यादा खतरनाक वाली लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के अंदर मैं जीत गया। एक बार मारा हूं, मगर जब सेकंड टाइम गया ना, तो उस वाली लड़ाई के अंदर मैं जीत गया। मैंने बुलेट से किसी को नहीं मारा, मैंने सिर्फ और सिर्फ सबको ना तलवार से मारा हूं। और अपने को ये बड़ा वाला डायनासोर यहाँ पर दिख गया, मगर को ये वाला डायनो नहीं चाहिए मेरे को, जो दूसरा इससे थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा है ना, उसकी पीठ के ऊपर कांटे नहीं है, तो मेरे को वो वाला डायनो चाहिए। वैसे ये वाला डायनो क्या काम में आएगा अपने कोई आइडिया नहीं, एक बार चेक कर लेते इसका नाम क्या वैसे। और ये 32 लेवल का है ना। अबे हेलो, क्या कर रहा है? अच्छा कुछ खा रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया, कुछ खा रहा है ऐसा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी अपन चलते और जाके ना बड़े वाले डायनासोर को टेम करके लाते। वैसे उसको टेम करके अपने घर तक लेके आने में ना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे ये वाला भी मेरे को अच्छा लग रहा है डायनासोर, क्या करूँ, इसको ट्राई मारूँ टेम करने का? नहीं, मगर जो काम के लिए आया पहले वो काम करते हैं। और मैं काफी मतलब काफी ज्यादा देर से ना बेस लोकेशन ढूंढ रहा था नया वाला, जहाँ पर मैं अपने डायनासोर्स के लिए भी एक बढ़िया वाला घर बनाऊं और अपने लिए भी एक तरीके से एकदम बढ़िया वाला घर बनाऊं, मगर मेरे को ना एक भी घर मिल नहीं रहा है, मतलब एक भी जगह मेरे को मिल नहीं रही है जहाँ पर मैं अपना बेस बनाऊं एकदम तगड़ा वाला, क्योंकि प्लेन जगह है ही नहीं, सब टेढ़ी मेढ़ी जगह है, और टेढ़ी मेढ़ी जगह के ऊपर ना बराबर से प्रॉपर बेस बनेगा नहीं, तो बस वही एक दिक्कत हो रही है।
बड़ा वाला डायनो हम टेम कर लेना तो फिर बेरीज और ये सारी की सारी चीजें अपन एकदम आसानी से कर सकते हैं। मगर उसके साथ में अगर तुम लोगों को एक चीज बताऊं तो ये वाले डायनासोर के बारे में भी मैंने काफी ज्यादा सुना है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना इन्वेंट्री के अंदर जाके शॉर्ट्स ले लेते हैं। ये शॉर्ट से अपना काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। 40 शॉर्ट्स है ये और 40 शॉर्ट्स के अंदर इस वाले डायनो को बेहोश करना मेरे को नहीं लगता ज्यादा टफ पड़ेगा। मगर उससे पहले अपने को इसका लेवल चेक करना पड़ेगा कि कौन से लेवल का है। और जैसे ही हमने ट्रैंकुलाइजर शॉट लगाया अपना स्कोप हट गया। खैर कोई बात नहीं, यहीं से ना अपन अपने आरजी को इधर ब्रेक लगाते हैं और आरजी को ब्रेक लगा के ना यहीं से अपन उसका लेवल चेक कर लेते हैं कि वो कौन से लेवल का है। तो बेटा तुम कौन से 40 लेवल के हो और काफी ज्यादा मेरे को बढ़िया लग रहे हो और मेरे को वेजिटेरियन डायनासोर दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, आरजे वेर आर यू? अबे कहाँ गया? सुन ले, देखो मैं कर देता हूँ न्यूट्रल, ठीक है? और अब बारी है इस वाले डायनो को बेहोश करने की। तो एक दो और तीन, ओहो पड़ गई इसको। और इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है इसकी, वैसे अच्छी खासी स्पीड है, अच्छी खासी स्पीड है। आजा, मैं नहीं डरता अब किसी से। आई एम वेरी पावरफुल ब्रो। मैं ऐसे भाग के ही तेरे को बेहोश कर दूंगा, मेरे को पता है। मैं ऐसे भाग के ही तेरे को एकदम आसानी से बेहोश कर दूंगा। आ जा, आता जा। मैं नहीं डरता अब किसी से। मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ ब्रो। वेर आर यू ब्रो? आता जा। और ये कौन है? आ जा। अबे मैं नहीं डरता, आ जाना तू। ओ अपने को पहला हिट दिया इसने, एक काला हिट रखने का। मैं नहीं डरता, मैं चाहे मर जाऊ। अबे सरप्राइज। अबे नहीं, आरजे नहीं, ऊपर ही रह, चुपचाप से ऊपर रह, तेरा कुछ काम नहीं है। ये हम दो बड़े लोगों के बीच में फाइट हो रही है तो तू टेंशन मत ले उसका। और इसको ज्यादा जोर से हिट्स पड़ नहीं रहे। चलो हेड के ऊपर तो कम से कम थोड़ा जोर से हिट पड़ रहा है। आजा, नई वाली जगह मिल गई मेरे को। बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो? बेटी पुष्पा तुम नहीं जा सकती कहीं पर भी छोड़ के मेरे को, तुम मेरी हो चुकी हो। मैंने बोला ना मैं नहीं डरने वाला अब किसी से, ये तो मेरे लिए अब बच्चे डायनासोर हो चुके। नहीं जा सकता तू ज्यादा दूर क्योंकि मेरी निगाहें तेरे ऊपर पड़ चुकी है ब्रो, मेरा बच्चा है तू भारी नल्ले निहारी। और इसके लिए चाहिए कुछ बेरीज और मेरे पास बेरीज है नहीं। एक मिनट रुक जाना, मैं यहाँ से कुछ बेरीज तोड़ता हूँ बस चेक करने के लिए कि तू बेरीज खाता है नहीं खाता है। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर बेरीज और यस ये बेरीज खा रहा है ना। तो बच्चे तू बेरी खा आराम से, मैं थोड़ा सा खाना खाता हूँ, अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ और फटाफट से जाके काफी सारे और बेरीज लेके आता हूँ। तो वैसे और बेरीज लाने की अपने को जरूरत है नहीं इतनी मेहनत करने की। कहाँ गया मेरा आरजे? हेलो आरजे वेर आर यू? सामने बैठा हुआ है यार, इसको मैंने न्यूट्रल कर दिया था, अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ी। अगर कोई और डायनासोर होता ना तो फिर दिक्कत हो जाती। बहरा है तू? हैं बहरा है तू? तेरे को आवाज नहीं आती? अबे ओ हेलो, वाह बे तेरा इतना सुन के आने तक ना मेरा कोई गेम बजा के चला जाएगा। चलो अपना घर था यहाँ पर, यहाँ पर ना अपने ट्राइक के इन्वेंट्री के अंदर ना काफी सारे बेरीज पड़े हुए हैं। बस मेरे को ना अपने डायनासोर की तादाद बढ़ानी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में हर वैरायटी का डायनासोर हो तो फिर काफी ज्यादा मजा आएगा। बस जल्दी से एक बेस लोकेशन मिल जाए ना तो फिर बहुत बढ़िया बात होगी। बेटा ट्राइक तेरी इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीजें? हेलो ट्राइक तेरी इन्वेंट्री के अंदर कुछ बेरीज नहीं है? रुक जा, मैं यहाँ से आया, उसका लेवल अब भी हो चुका है। यहाँ पर ना मेरे ख्याल से बेरीज होनी चाहिए। चलो थोड़ी बहुत तो बेरीज मिली और यहाँ मोर्टार एंड पेस्टल के अंदर तो बेरीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर नार्कोटिक्स है नहीं, नार्कोटिक्स बनाने के लिए जो बेरीज चाहिए वो है। वैसे इतने बेरीज अपने काम के है, मतलब इसके अंदर मेरा काम हो जाएगा। चल बेटा आ जा, फटाफट से चलते और उस वाले डायनासोर को टेम करते हैं। वैसे अपने ये वाले आरजी का ना स्टेमिना इतना ज्यादा है कि मैं काफी ज्यादा दूर दूर तक ना फुल स्पीड में इसको भगा सकता हूँ। तो ये रहा मेरा प्यारा डायनो। कहा गया बेटा तू इधर आ, तेरे को खिलाता हूँ मैं और काफी ज्यादा बेरी। लो मेरा मुन्ना खा और फुल खा, जितना खा सकता है खा, तू बेरीज खाता रहे। मैं यूं गया और यूं आया। आजा मेरे पीछे। A few inches later. तो भाई लोग मैं बस जस्ट राउंड मार के वापस आया और हमारा यहाँ पर डायनो हो चुका है पूरी तरह से रेडी। इसका लेवल अप हुआ है? वैसे नहीं लेवल अप नहीं हुआ, थोड़ी सी बेरीज बची है इसकी इन्वेंट्री के अंदर। चल आ जा मेरे बच्चे, घर चलते हैं फटाफट से। वैसे इस गेम में ना बारिश काफी ज्यादा होती है। और डोडो मेरे प्यारे डोडो तू आ जा।
मेरे से पंगा नहीं लेना, मैं खतरनाक होता जा रहा हूँ दिन पे दिन। बस मैंने अभी असॉल्ट राइफल नहीं बनाया, असॉल्ट राइफल मैं एक बार बना लू ना फिर तो रैप्टर रहने दो या चैप्टर रहने दो या टीरेक्स रहने दो या कोई भी डायनो, एक बार नजदीक आएगा ठाए 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 करके उसका खानदान खत्म कर देगा। डोटो तेरे को जाना है घर, चल चला जा, जा तू आराम कर ठीक है, और तू आ रहा है ना बेटा चलाता रहा। वैसे हमने शार्को को टेम तो कर लिया, मगर अभी हमको ना एक शार्क को टेम करना है, और शार्क को इसलिए टेम करना है ताकि पानी के एकदम गहराई तक हम जाए, वो भी स्कूबा डाइविंग सूट पहनकर। और मेरा डायनासोर पता नहीं कहाँ चला गया है, और कहाँ गया भाई, इधर आ। बच्चे लोग यहाँ पर जितने छोटे छोटे डायनो है तुम लोगों को उसको सताने की जरूरत नहीं है, ये मैं आरजी के ऊपर आया हूँ, उठा के लेके चला जाऊंगा और शार्क के मुंह में फेंक दूंगा। और बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है यार, और अपने आरजे का फिर से लेवल अप हो चुका है भाई लोग। इस बार हम इसका मिल डैमेज काफी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, 163 लेवल का आरजे है हमारा, 163 लेवल। चलो आ चुके हैं हम घर अपने न्यू मेंबर को लेके, सारे के सारे यहाँ पर ब्रेक लगा लो, आ जा बेटा, आ जा मेरे मुन्ना। वैसे मैंने अभी तक किसी भी डायनासोर का नेम रखा नहीं हूँ, हर एक जो भी अपने पास में डायनासोर है ना तो विदाउट नेम है, किसी का भी मैंने नेम नहीं रखा। मगर एक दिक्कत ये हो रही है कि ये वाले डायनासोर की पीठ पर हम बैठेंगे कैसा, ये तो मतलब इसकी पीठ पे कांटे, और अगर हम कांटों के ऊपर अगर बैठ गए तो फिर अपना काम हो जाएगा। तो ये रहा स्टिगो सैडल, और इसको तो मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम पहले अनलॉक कर लिया था, और इसको बनाने के लिए सिर्फ 200 हाइट चाहिए, 110 फाइबर और 35 वुड, तो मैं 2 मिनट के अंदर बस बनाकर लेके आया। अबे तेरे को क्या अलग से बोलना पड़ेगा बेटा, सुन ले, मेरे पीछे नहीं आने का, समझ में आया, यहीं पर बैठे रहने का, मेरे पीछे नहीं आने का। चलो तो हमने स्टिगो का सैडल बना लिया है, और अब पिनाते हैं हम इसको सैडल। तो ये रहा मुन्ना, ये ले तेरा सैडल, और इसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम लग रही है, मगर फूड देख रहे हो 8,500, मतलब कुछ ज्यादा ही है। मैं इसको वेट इंक्रीज करता हूँ, मैं इससे वो ज्यादा सह रहेगा इसकी पीठ के ऊपर। अच्छा तो ये कांटों के बीच में बैठता है, ओके ये कांटों के बीच में बैठता है, और इसकी स्पीड ना कुछ ज्यादा कम है, मगर झाड़ वगैरह वो तोड़ के अपन एक बार चेक करते हैं। स्टेमिना भी इसका काफी ज्यादा कम है, अपना काम हो रहा है इससे, बेरीज वगैरह हम उठा पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो मेरे बच्चे तोड़ के पता झाड़ नहीं तोड़ेगा। अच्छा तो ये पूछ से अटैक करता है, ओके पूछ से अटैक करेगा, ठीक है पूछ से ये झाड़ तोड़ के बता मेरे को। ओ इससे तोड़ रहा है, मगर उतनी ज्यादा उससे नहीं तोड़ रहा, बस ठीक ठीक तोड़ रहा है, बेरीज उठा सकता है बेटा। और ये कतई फालतू डायनासोर को हमने टेम कर लिया है, मगर लकड़ी तोड़ने में काफी ज्यादा काम में आएगा। रहन दे तू, तेरे को घर पे छोड़ देता हूँ मैं, तू मेरे कोई काम का नहीं है, तेरे ऊपर मैंने फालतू इतने सारे नार्कोटिक्स वेस्ट कर दिए। खैर हर एक वैरायटी का डायनासोर होना चाहिए अपने घर में, उतर जा तू इधर। वैसे हमारा भी लेवल अप हुआ है ना, तो हम एक काम करते हैं, मूवमेंट स्पीड को फिर से काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, और उड़ते उड़ते ये चेक करते हैं कि अभी अपने पास में अनलॉक और कौन सी चीज हुई है। मेरे को तो बस चीजें ढूंढ रहा हूँ मैं, और यहाँ पर देख रहे हो तो केमिस्ट्री बेंच, ओके, और ये ब्रोंटो प्लेटफॉर्म सैडल। ब्रोंटो डायनासोर को शायद से मैंने मारा हूँ या फिर कहीं पर मेरे को मिला था, मेरे को याद है, और वो काफी ज्यादा बड़ा था। वैसे हम डायनासोर की तलाश में तो निकल गए, मगर स्टन करने वाले ना बुलेट्स लेके आना भूल गए, तो फटाफट से मैं जाता हूँ और बुलेट्स लेके आता हूँ। तो मैंने काफी सारी बुलेट्स बना लिए, और स्टार्टिंग में जो केव की मैं बात कर रहा था वो जस्ट यहाँ पर नीचे ही है, और काफी 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 ज्यादा खतरनाक केव है, क्योंकि मैं वहां पर बहुत अंदर तक गया, और अंदर जाने के बाद मैं काफी बुरी तरह से मरा हूँ, मतलब मेरे को अंदर सांप काट लिया, मकड़ी काट ली, बिच्छू काट लिया, पानी के अंदर 8 से 9 मगरमच्छ, मतलब सबने मिल के काम बजाया है। तो बस ये वोल्केनो, और इसी के आसपास में मेरे को कई तो गुफा मिली थी, और जो अपने को लंबी गर्दन वाला डायनासोर चाहिए था ना वो ये रहा, मगर यहाँ से इसको अपने को घर लेके जाने में ना काफी ज्यादा मुश्किल होगी। बस मेरे को यहाँ पर एक बार वो गोरिल्ला मिल जाए किंग कॉन्ग, उसको उठा के ना मैं अब एकदम आसानी से लेके जा सकता हूँ। पहले वाला अपना आरजे इतना ज्यादा मजबूत नहीं था, मगर ये वाला आरजे ना काफी ज्यादा पावरफुल है, और मेरे को ऐसा लग रहा है ना मैं यही कहीं पर उस किंग कॉन्ग को देखा था, बस मेरे को एक बार मिल गया ना तो उसको मैं उठा के एकदम आसानी से लेके चला जाऊ। वैसे मेरे को किंग कॉन्ग मिला नहीं, मगर यहाँ पर ना मेरे को दो दो भालू दिख रहे हैं, और मैं भालू को एकदम आसानी से उठा के लेके जा सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, ये वाले भालू को लूँ, या राइट साइड में भी एक भालू था, पता नहीं अंधेरे में कहाँ चला गया। तो मैं भालू तो आसानी से उठा के लेके जा सकता हूँ, और अपने घर पे ना जो अपन ने जहाँ पर टर्की को पकड़ रखा था वहां पर अपन इसको लेके जाके ड्रॉप कर सकते हैं, और अपना घर भी यहाँ से कुछ ज्यादा दूर है नहीं। तो एक काम करते, कोशिश करते, 1 2 और मैं उठा नहीं पाया क्या इसको? हेलो, नहीं 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 उठा नहीं, यही है, अगर उठ जाए ना तो बहुत अच्छी बात होगी। एक काम करते हैं,
अबे मार रहा है साले यार, इसको मैं कैसे उठा के लेके जाऊं? आरजे अपना उठा कैसे नहीं पा रहा भालू को? नहीं, भालू शायद से ज्यादा वजनदार है जिसकी वजह से हम उसको लेकर जा नहीं सकते, मगर उसके साथ में मेरे को सीमेंटिंग पेस्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये अपने काफी ज्यादा काम की चीज है, चला जा तू। तू है मेरा सीमेंटिंग पेस्ट, तू मेरे को सीमेंटिंग पेस्ट देता रहेगा, तेरे को मैं टेम कर लूंगा एकदम आसानी से, अब चुपचाप चल मेरे साथ में घर। ठीक है, ये सारे के सारे डायनो मेरे काम के, और अपने को कोई भी चीज क्राफ्ट करने के लिए ना सीमेंटिंग पेस्ट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और स्टेमिना हो चुका है काफी ज्यादा कम ना, तो अब धीरे धीरे चलते हैं घर। और यहाँ पर आने के बाद में मेरे से अपना सीमेंटिंग पेस्ट छूट गया। रुक जा, जा मत बे, जा मत, रुक जा। और अपने आरजी की बैटरी हो चुकी है ना डाउन, एक मिनट रुक जा। पानी में से कितनी ज्यादा स्पीड से जा रहा है, मैं इसको तो पानी में से उठा भी नहीं पाऊंगा यार, इसका स्टेमिना लो की वजह से ना फिर दिक्कत हो गई काफी ज्यादा। अबे एक जगह ब्रेक लगाना। अबे यार मैंने इतनी दूर से उसको जैसे तैसे करके लेके आया, मगर खैर कोई बात नहीं, अब हो गया इसका स्टेमिना फुल। अभी भी नहीं हुआ इसका स्टेमिना फुल। कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया यार? ये इधर साइड गया होगा शायद से, और ये दिख रहा है मेरे को, यहाँ से दिख रहा है। पीछा तो नहीं छोड़ूंगा तेरा, कहाँ तक भी जाता है जा, पीछा तो नहीं छोड़ूंगा। एक बार तू मेरे जकड़ में आ गया तो तेरा हो जाएगा पूरी तरह से काम। एक दो और आ जा बेटा। कहीं नहीं जा पाएगा तू, बस अंधेरे में ये गिर ना जाए। अगर अंधेरे में गिर गया ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि अंधेरे में दिखेगा नहीं। और इसको ना अपने को बस फटाफट से घर के अंदर जैसे तैसे करके ड्रॉप करना है, और फिर 2-3 बुलेट मारूंगा और बेहोश हो जाएगा। तो एक काम करते ना, जो सबसे ज्यादा स्मॉल सेक्शन है ना, मैं उसके अंदर इसको ड्रॉप करूंगा, मगर पता नहीं हमको ये खाता क्या है। तो एक दो और चलो, कहां पर है? हेलो, अबे कहाँ जा रहे? हेलो, ओ भाई साहब, तुमको बहुत मेहनत से लेके आया हूँ, कहीं नहीं जा सकते। मार रहे, आ जा मेरे पीछे, आ जा। यस, तेरे को समझ भी नहीं आता, एक बार तेरे को बोलो मैंने, मेरे को फॉलो मत कर, जाके वहां पर बैठ जा। वैसे लेवल 4 का ही था तो बहुत आसानी से ये हो गया। मेरे पास में कुछ बेरीज पड़ी है? नहीं, कुछ भी बेरीज नहीं पड़ी है, तो यहीं से बेरीज तोड़ लेते, जो अपन बेरीज तोड़ सकते, सारी की सारी बेरीज अपन हाथ से तोड़ देंगे। अभी जाऊंगा डायनासोर को लाऊंगा तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इतनी बेरीज काफी है इतने से के लिए। तो रख दिया मैंने इसके इन्वेंटरी के अंदर बेरीज, मगर मेरे को ऐसा क्यों शक हो रहा है कि ये बेरीज नहीं खाता है, और इसका अनकॉन्शियस मीटर भी ना काफी ज्यादा स्पीड से कम हो रहा है। बस थोड़ा सा यहाँ पर रुक के देखना पड़ेगा, बेरीज खाता नहीं खाता है या मीट खाता है। मीट भी मेरे पास में होगा आई गेस, तो यहाँ पर ना 5 मीट पड़ा था, तो 5 मीट अभी फिलहाल के लिए ले लेते हैं, और इसका काम मेरे हिसाब से बेरिस के अंदर ही हो जाएगा, तो ये फटाफट से टेम हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। थोड़े से नार्कोटिक्स लागे ना इसके पेट में रख देता हूँ। 2 hours later, तो चलो अपना कैस्ट्रोइड टेम हो चुका है फाइनली। आ जा मेरे बच्चे, पीछे आ जा, ए चील तू भी इधर आ। वैसे पैसिव कर दिया, पैसिव नहीं करना था, सॉरी न्यूट्रल करना था। ठीक है, तू वहाँ पर बैठे रहे, तू वहाँ पर संभाल लेगा, तू आ जा मेरे पीछे। तो हो चुकी एकदम प्यारी सी सुबह, और रात को मैं थोड़ी सी छानबीन कर रहा था अपने कैस्ट्रॉइड की, तो मेरे को एक चीज पता चली है कि अपन इसके ऊपर भी सैडल लगाकर घूम सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। बस मेरे को एक चीज ये देखना है कि अपने को इसको ऑटो पर कैसे छोड़ना है, मतलब कि ये खुद ब खुद सीमेंटिंग पेस्ट बनाता रहेगा, वो चीज कैसे करनी है मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। खैर, अलग अलग वैरायटी के अपने पास में डायनासोर बस होते जा रहे, और लास्ट एपिसोड में ना हमने मरने के बाद अपना क्रायोपॉड को खो दिया था, तो फटाफट से ना जाके मैं एक क्रायोपॉड बनाकर लेके आता हूँ। तो क्रायोपॉड बनाने के लिए जो चीजें चाहिए थी ना, वो सारी की सारी चीजें मैंने बनाकर अपने पास में रख लिया हूँ, मतलब पॉलीमर, क्रिस्टल, हाइड, फाइबर। अब चलते हैं किसी नजदीक वाले सप्लाई क्रेट पर सप्लाई क्रेट से ज्यादा ना इस वाली जगह पर जाएंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ना ऐसी किसी जगह के ऊपर ही हमने एम्प्टी क्रायोपॉड को क्राफ्ट किया था। और बहुत जल्द ना बॉस फाइट भी होने वाली है, बस थोड़े से मैं अपने वेपन्स को एडवांस लेवल का कर दूं। अभी जैसे ही हम 100 लेवल टच कर देंगे, उसके बाद में हम फिर बॉस फाइट्स करना स्टार्ट कर देंगे। अभी कुछ वेपन्स अपने को और काफी ज्यादा अनलॉक करने, जैसे ही वो सारे के सारे वेपन्स हम अनलॉक कर लेंगे ना, उसके बाद में फिर हम बॉस फाइट्स करेंगे, जिसके अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये वाली जगह अगर देखोगे तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर से ना ड्रैगन वगैरह वो कुछ बनते, खैर कोई बात नहीं। ये 20 पॉलीमर, ऑयल इंगट, हाइट, और ये रहा फाइबर। ठीक है, ये सारा का
सारा मैंने यहाँ पर रख दिया। तो ये रहा अपना एम्प्टी क्रायोपॉड। वैसे दो बना सकता हूँ नहीं बना सकता पता नहीं, उतना सामान तो मेरे पास में है। और चलो दो नहीं बनाने का अभी फिलहाल में, जितना है ना उतना बनाते हैं। और जो यहाँ पर अपन ने सामान छोड़ा ना वो सारा का सारा सामान ले लेते हैं अपने इन्वेंटरी में और निकलते हैं यहाँ से। और ये कौन सी चीज है इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करना पड़ेगा, मगर यहाँ पर तो वापस आना जाना लगा रहेगा। और मेरा आरजी कहाँ गया वैसे? ओ इतनी बॉर्डर के ऊपर जाके बैठा है भाई। आ जा मेरे प्यारे बच्चे, चलते हैं हम फटाफट से घर। और यहाँ पर एक सप्लाई क्रेट है, जाते आते वो लूट कर चले जाएंगे। वैसे ये वाली भी जगह मेरे को थोड़ी सी बढ़िया लग रही है, मगर इतनी कुछ खास नहीं है। तो ये वाले सप्लाई क्रेट के अंदर अपने को क्या मिलेगा? ये मेटल बॉल मिली है अपने को। चलो मेटल बॉल ले ली। और यहाँ पर ना कोई चीज मर के पड़ी हुई थी, मेरे को ऐसा दिख रहा था। और पत्थर है, यस पत्थर है वो। चलो तो आ चुके हैं हम अपने घर। अब फटाफट से ना क्रायोपॉड को हाथ में लेते हैं और चेक करते हैं कि हम एक टाइम में कितने सारे डायनोस को अपने क्रायोपॉड के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि क्रायोपॉड ना अपने को न्यू बेस बनाने के काफी ज्यादा काम में आएगा। तो एक तो डायनो आ गया है, और मेरे को ऐसा लग रहा है एक टाइम में मतलब एक ही डायनो को अपन एक क्रायोपॉड के अंदर रख सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा मैं जितने क्रायोपॉड बनाऊंगा उतने डायनोस को एक टाइम में लेके जा सकता हूं। वैसे स्ट्राइक आएगा, ये स्ट्राइक तो आ रहा है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो रेक्स है ना मैं इसको लेकर जाऊँ, जो कि आएगा नहीं आएगा पता नहीं, एक बार कोशिश करते हैं। और पावर लेते लेते यस ये आ रहा है अपने जेब में, आ रहा है अपने जेब में। इसकी इन्वेंटरी में क्या है वैसे? ओ तो ये काफी ज्यादा खाना इधर पड़ा हुआ है जो कि मेरे को खुद नहीं पता था। इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने को यहाँ पर मिल गया, चलो भाई अच्छी बात है, इसको रहने देते हैं। तो इतने बड़े रैक्स को हमने जेब में रख लिया। बस एक चीज मेरे समझ में आई है, क्या एक टाइम में एक ही क्रायोपॉड के अंदर एक डायनो आएगा? ये क्या हुआ वैसे? यार एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, बाहर निकलने के बाद मैं ऐसे बेहोश को जा रहे, बस मेरे को वो चीज चेक करना है। इतना बड़ा शरीर लेके दूसरे बच्चे डायनासोर के आंख पे ऊपर लेट गया, शर्म नहीं आती तेरे को? इसको खाना दे देते ना अपन, हाइड वगैरह वो भी तो बहुत सारी चीजें इसके पास में पड़ी हुई। बस ये चेक करना है कि मैं किसी भी डायनासोर को अपने क्रायोपॉड के अंदर ले रहा हूँ, और उसके बाद में उसको वापस से हम जब किसी जगह पर ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर वो दिक्कत हो जा रही है काफी ज्यादा। मतलब अभी अगर मेरी किसी डायनासोर से फाइट चल रही है और उस डायनासोर ने अचानक मुझ पर अटैक कर दिया, तो मैं तुरंत क्रायोपॉड निकाल के अगर वहां पर फेंक दिया तो मेरा डायनासोर भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा, अगर ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा तो। मगर खैर बेसिक सी चीजें वो भी मैं समझ लूंगा, क्योंकि इतने छोटे लेवल से आए थे हम यहाँ पर, और अभी अगर देखोगे तो हम एकदम खतरनाक हो चुके हैं। बस सारी चीजों को ना थोड़े से तरीके से करना है, और वो भी हम कर लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके यहाँ पर देख रहे हो हर वैरायटी के डायनासोर मेरे पास में आ रहे हैं। तेरे को अभी टट्टी करना जरूरी था? हर वैरायटी के डायनासोर धीरे धीरे करके मेरे पास में आ रहे हैं। तो अभी तो ये सीरीज बस स्टार्ट हुई है, आगे तो हम काफी ज्यादा खतरनाक बॉस फाइट्स करने वाले हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बस फिर आज के एपिसोड को इतने रखते, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट कर लो, क्योंकि सेकंड चैनल के ऊपर भी मैं बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया सीरीज अभी आना बाकी है। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।